नमस्कार जनता जनार्दन, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपना इंडिया रेलवे के एक नए वीडियो में। तो भाई हनुमानगढ़ से लेकर ना शादुलपुर के बीच में कुछ ट्रेनें जो है दौड़ने वाली है और ट्रेनों की संख्या भी जो है इस रूट पर बढ़ाई जाने वाली है, तो इससे बढ़िया खुशी की क्या बात है। चलिए वीडियो के माध्यम से फटाफट जान लेते हैं। तो खबर कुछ ऐसी है दोस्तों कि हनुमानगढ़ और शादुलपुर रूट पर ट्रेन चलाने को लेकर हनुमानगढ़ रेलवे के विकास संघ के सदस्य विभिन्न मांगों सहित सिरसा सांसद से जो है मिले आए। इस मौके पर सदस्यों ने एलानाबाद सिरसा रेल लाइन परियोजना और हनुमानगढ़ एलानाबाद शादुलपुर रेल मार्ग पर रेलवे के संचालन को लिए यहां पर ट्रेनों के संचालन को बढ़ाने की जो है मांग की है। तो रेल विकास संघ के अध्यक्ष ने बताया कि एलानाबाद सिरसा रेलवे लाइन के अलावा कोरोना काल में बंद गाड़ी संख्या 04778/778 और /77 को दोबारा शुरू करवाने, इसके अलावा जयपुर से शादुलपुर आने वाली गाड़ी संख्या 09706/09705 कणगांव और सुपरफास्ट, इसके अलावा गाड़ी नंबर 12995/12956 लिंक कर हनुमानगढ़ तक सुविस्तार करवाने तथा 12191/12192 जबलपुर निजामुद्दीन श्रीधाम सुपरफास्ट का विस्तार हनुमानगढ़ तक करवाने का आग्रह जो है ना किया गया है। उदयपुर से अमृतसर वाया स्टेशन सीकर शादुलपुर एलानाबाद हनुमानगढ़ डबावली भटिंडा धूरी लुधियाना के रास्ते नई ट्रेन को शुरू करवाने के लिए ज्ञापन जो है दिया गया है। भाई हमारा उदयपुर जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन बनने वाला है, तो ये सब चीज़ें जो है ना अभी आपको पता चली गई होगी कि अभी से ही ना यहाँ पर ट्रेनों के संचालन की लगातार मांगें जो है अलग अलग जगह से की जा रही है। इस संबंध में सांसद सुनीता दुग्गल ने एलानाबाद सिरसा रेल लाइन के मुद्दे को सांसद के मानसून सत्र में उठाने का आश्वासन दिया जो है दिया गया है। तो मैं काफ़ी सारे लोगों ने एक बार कमेंट किया था कि भाई उदयपुर से अमृतसर के लिए ट्रेन जो है चलाया जाना चाहिए, तो उस समय हमने आपको ना एक चीज़ तो आश्वस्त किया था कि अभी नहीं लेकिन फ्यूचर में ऐसी ट्रेनों के प्रपोजल जो है ना काफ़ी सारे देखने के लिए मिलेंगे और उसी चीज़ का यह जो प्रपोजल है आया है। तो हमें जिसने भी भाई कमेंट किया था ना इस ट्रेन के बारे में कि उदयपुर से अमृतसर के लिए ट्रेन चलाया जाना चाहिए, तो आपकी मांगों के पर लग चुका है क्योंकि अमृतसर से लेकर उदयपुर, उदयपुर से अमृतसर के बीच में वाया सीकर शादुलपुर एलानाबाद हनुमानगढ़ डबावली भटिंडा धूरी लुधियाना के रास्ते नई ट्रेन शुरू करवाने का ज्ञापन जो है ना भेज दिया गया है। तो ये सब चीज़ें जो है ना अब मानसून सत्र में उठाई जाने वाली है, तो आप सशक्त हो जाइए, आप लोग इंतजार कीजिए क्योंकि धीरे धीरे ना उदयपुर की सूरत अब जो है चेंज होने लगी है। तो फिलहाल के लिए आपको ये धमाकेदार न्यूज़ कैसी लगी आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए और वीडियो के माध्यम से ना लगातार बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स आप ना भूलेगा। फिर मिलते हैं लगातार नई वीडियो के साथ में, लगातार टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद बाबा दोस्तों।